मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इंग्लिश का TLM लेके आई हूँ। इस TLM के थ्रू हम अपने स्टूडेंट को ए और एन का यूज काफ़ी मज़ेदार तरीके से सिखा सकते हैं, और वो भी इस तरह एक्टिविटी करा के। इस एक्टिविटी के थ्रू काफ़ी जल्दी सीख जाएंगे बच्चों को। ऐसे TLM काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। बच्चे एज अ गेम इस एक्टिविटी को करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को भी मेरे TLM काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। इसके थ्रू वो एक्टिविटी करके काफ़ी जल्दी सीखते हैं, और मुझे भी सिखाना काफ़ी आसान होता है TLM के थ्रू। और मैं TLM भी काफ़ी इजी तरीके से बनाती हूँ, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता। आपको मेरे TLM कैसे लगते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पे TLM चाहिए ये भी बताएं, मैं उस TLM को ज़रूर बनाऊंगी। तो ये रहा मेरा ए और एन का TLM। तो इसे बनाते कैसे हैं, मैंने कार्डबोर्ड लिया है और चार्ट पेपर, उस पर मैं इसे ग्लू कर दूंगी। ग्लू करके मैं इसे सिक्योर कर दूंगी। मैं इसको इस तरह कट करती हूँ, क्योंकि ये इसको चिपकाने के बाद पीछे साइड थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, तो इसको ऐसे कट करने पे कोई पार्ट अलग से नहीं दिखता फ्रंट पेज पे, तो इसलिए मैं इसे कट कर देती हूँ। मेरा अभी बेस बनके रेडी है। अब मैंने ये एक सादी कार्ड लिया है रेड कलर का, अब मैं इसे हाफ फोल्ड करके इसको कट कर लूंगी। अभी टू पार्ट में हो गए। अब मैं इसे यहाँ इसको ग्लू कर देना है, बट उसके पहले जो इसके कोने हैं मैं इसको थोड़ा थोड़ा राउंड शेप दूंगी। इससे क्या होता है, ये थोड़ा सुंदर लगने लगता है, फिर इसका व्यू इसको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं इसको ग्लू कर दूंगी। मुझे इसको तीन साइड फेविकोल लगाना है और एक साइड छोड़ना है। मैं इसको एक पॉट बना रही हूँ। मैं इस साइनिंग वाले टेप से मैं इसे थोड़ा डेकोरेट कर दूंगी, जिससे मेरा TLM थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा सुंदर लगे। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो ना भी करें, ये कोई मस्ट नहीं है। फिर मैंने ये दो वाइट पेज लिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा, मैं भी इसे थोड़ा राउंड शेप दूंगी किनारे कोने कोने से। मैं इसे पॉट पे पेस्ट करूंगी नेम स्लिप की तरह, बट मुझे थोड़ा ये सिंपल लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल्स ऐड करूँगी। मैं इसको किनारे किनारे थोड़ा ऐसे शेप में कट कर दूँगी, जिससे ये थोड़ा सुंदर लगेगा। मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ उसमें थोड़ा और क्रिएटिव करने की सोचती रहती हूँ, कि उसमें मैं और क्या कर सकती हूँ, वो भी लो बजट में, जिसमें कोई खर्च ना हो मेरा। तो फाइनली ये कट के रेडी हो गया। अब मुझे ये अच्छा लग रहा, तो मैं इसको भी मैं ग्लू कर दूँगी। थोड़ा सा इसको नीचे साइड रख के मैं ग्लू करूंगी। अब मैंने ये रफ कॉपी के पेज लिए हैं, और इसको मैं स्टिक की सहायता से मैं इसको ऐसे राउंड राउंड करके एक स्टिक बना लूंगी, और फिर इस तरह मैं इसको कई सारे स्टिक बनाऊंगी। तो मैंने ये स्टिक, इतने सारे स्टिक बना लिए हैं, और फिर मैं इसे एक वाइट पेज को लेके ऐसे छोटे छोटे कई पार्ट में इसको कर लूँगी, क्योंकि जो मेरे स्टिक है वो रफ कॉपी के पेज है और वो दिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं एक ही पेज लेके और इसमें ऐसे पतली पतली पट्टियाँ कट कर लूँगी।
अब इसको ग्लू करके इस स्टिक पे मैं इस तरह से ग्लू कर लूँगी तो ये पूरा वाइट स्टिक बन जाएगा। तो ऐसे ही मैं ये सारे स्टिक मैं ऐसे ही करूँगी। इस तरह से ऐसे लाइन खींचने पे ये थोड़ा 3D लुक आ जाता है। तो ऐसा करने से थोड़ा हमारा जो ये TLM बन रहा है थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें कुछ वर्ड्स लिखूंगी जो वॉवल और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, तो मैं ऐसे कई सारे लिख लूंगी। हमें अपने स्टूडेंट को सिखाना होगा, ये समझाना होगा जो वर्ड्स वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ N लगेगा, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ ए यूज करते हैं, उनके पहले ए यूज करते हैं सॉरी। तो इस तरह हम बच्चों को एक बार समझा देंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ जो वॉवल्स से स्टार्ट होते हैं उनके साथ एन यूज करना है, बाकी के साथ ए यूज करना है। फाइनली अब मेरा TLM बनके रेडी है, पूरी तरह बनके रेडी है। अब बारी है बच्चों को ये एक्टिविटी कराने की, एक बार उनको समझा देने की। तो सॉरी अभी एक पार्ट रह गया था, तो मुझे एक पार्ट पे ए लिखना है और एक पार्ट पे एन लिखना है। अब हमारा TLM बनके रेडी है, अब हम इस तरह बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं। सॉरी ये TLM थोड़ा बड़ा बना है तो मेरे वीडियो में पूरा नहीं आ रहा है, बट आपको देख के समझ में आ जाएगा कि मैं इसे क्या बनाई हूँ और इसको कैसे एक्टिविटी करानी है। और काफ़ी इजी TLM है। इस TLM को बनाने के लिए मेरा 2 रुपये भी खर्च नहीं हुआ है।